इमरान और नवाज शरीफ के दरमियान फ्रेंडली मैच खेलने पर इत्तेफाक। 14 मई 2013 को पाकिस्तान की सियासत का एक अहम दिन था। इंतखाबी नतीजे के 3 यौम बाद नवाज शरीफ अचानक इमरान खान की अयादत के लिए शौकत खानम अस्पताल गए और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इमरान खान ने भी कुशादा दिली से मियां नवाज शरीफ को खुश आमदीद कहा। दोनों ने खुशगवार मूड में एक दूसरे के बारे में अच्छे जज्बात का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान की अयादत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के हक को तस्लीम किया। रुखसत होते वक्त नवाज शरीफ ने इमरान खान से मुसाफा किया और दोबारा तफसीली मुलाकात करने का वादा किया, जिस पर इमरान खान ने कहा, अब मैं मुलाकात के लिए आऊंगा। मियां नवाज शरीफ ने मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दावा किया कि इमरान खान से मुकम्मल सुलह हो गई है, दोनों जानिब से गुस्सा खत्म हो गया है, अब फ्रेंडली मैच होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तिलात शीरी मजारी ने मुलाकात के हवाले से बताया कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को निशानदही की है, तालिबान इशू का हल दोनों की जिम्मेदारी है। मुलाकात के बारे में अपने कारकुनों को एतमाद में लेने के लिए इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए 15 मई को अपना पैगाम जारी किया, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ के साथ कौमी मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तेफाक हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान ने अपना ये मुतालबा भी दोहराया कि 4 हलकों में अंगूठों के निशानात चेक कराएंगे, क्योंकि 25 हलकों में धांधली की गई और नतीजे रातों रात तब्दील किए गए। इख्तिलाफ के बावजूद मिलकर मुल्क को दरपेश बड़े मसाइल का हल तलाश करेंगे। नवाज शरीफ की जानिब से इमरान खान की अयादत काबिले तकलीद जम्हूरी निजाम के इस्तेहकाम और रवादाराना सियासी कल्चर की नई रिवायत का नुक्ता आगाज था।